हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पर देखिए, हमने कुंडे की न्यास के लिए सारी तैयारियाँ कर दी है। हमने इसका फर्स्ट पार्ट आपको फर्स्ट ब्लॉक में देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मारूफ और मम्मा ने मिलके हमारा पिकी पैन ओपन किए थे, जिसके अंदर से कुछ पैसे निकले थे, जिससे कि आज हम करने वाले हैं कुंडे की नियाज। मम्मा ने लेकर आ गए थे बाहर से सारा सामान, और यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो गई है। आपको ये पूरी और खीर किस तरीके से बनाना है स्टेप बाय स्टेप, वो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसकी लिंक हम कमेंट कर देंगे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो अभी हम चलते हैं बाहर मार्केट, क्या लाने के लिए मारूफ? हम जा रहे हैं यहाँ पर कुंडे लेने के लिए, यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो। तो मारूफ और जोहान दोनों भी यहाँ पर आ गए हैं। हमें एक्चुअली दो तीन जगह पर हमने देख चुके थे, हमें नहीं मिल रहा था, तो एक छोटा से मुझे मिल गया अभी, तो मैंने ले लियो। तो हम घर पर आ चुके हैं, बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी है, खाना पीना हो चुका है। मारूफ और जोहान यहाँ पर रात में हमारी डेकोरेशन का तैयारी चालू थी, तो हम तैयारी कर ले कुंडे की नियाज के लिए। हाँ, यहाँ पे देखो मम्मा ने कैसा बनाए है। देखो ने अबू मम्मा ने बनाए ले, अबू ने लत्ती लगा दी है और मम्मा ने ये लगाए सर्दी पे और ये लगाए। अब और लगाना इसे और इधर नहीं रखे, इधर भी नहीं रखे। जवान की मस्ती। बस 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 पकड़ ली। हम लोग अभी ये वाली तार वाली लाइट लगा ले, ये पूरा लाइट करने के बाद हम आपको बताएंगे। हाँ, ये आता है, ये बनाया हमने तब तैयारी के लिए। ये तार की लाइट, ये नीचे लाइट सुबह में लगाएंगे अपने यहाँ पर। अच्छा लग रहा है? हाँ, लग रहा है। जवान कैसा लगा? जवान कैसा लगा? तो ये देखे, यहाँ पर बज गए हैं रात के कुछ 2 या 2:30 बज रहे हैं, और बाकी लगभग सारी तैयारी हो चुकी है डेकोरेशन की। तो आपको ये छोटा सा हमारा डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट डे सुबह हो गई है, मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ। चावल की खीर होती है, उसे इसमें फातिया दी जाती है, कुंडे भरे जाते रात, जैसा कि ये सुबह कुंडे की नियाज होती है, सुबह फजर के नमाज के बाद में दी जाती है इसकी फातिया। तो मैंने यहाँ इसलिए ज़्यादातर तैयारी रात में ही कर दी थी, और सुबह में मैंने यहाँ पर खीर बनाकर फिर उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि एक कुंडे में 22 पूरियाँ बननी होती है, और एक कुंडे में खीर, जो चावल की खीर होती है वो, तो यहाँ पर मैं सारी पूरी को अच्छे से इसके अंदर लगा रही हूँ। मैंने पहले यहाँ पर काउंट करके 22 पूरी ली, जैसे जैसे इसके अंदर खाते जाएंगे हम लोग, मतलब जैसे सब एक एक जन बैठकर अगर खाते हैं तो पूरियाँ कम होती है, तो ऊपर से हमें पूरियाँ ऐड करनी होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मारूफ जोहान और उसके अब्बू यहाँ पर फातिया दे रहे हैं, और बच्चे भी बहुत जल्दी उठ गए थे, लेकिन रात में ज़्यादा देर तक जागे थे। सुबह में मारूफ और जोहान की भी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था। सुबह 5 बजे मैंने उनको उठकर दवाई वगैरह पिला दी थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फातिया दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबका खाकर हो चुका था, तो मैं यहाँ पर ऊपर थोड़ा सेट कर रही थी और मारूफ को दवाई पिलाकर उसे सोने के लिए अंदर भेज दी हूँ। जुहान यहाँ पर मेरे पास ही बैठा हुआ था, लेकिन मैंने उसे साइड में बिठाई थी और मैं साथ ही साथ काम भी कर रही थी। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है सब सारी चीज़ें मैनेज करना, लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम लोग अलग रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, तो यहाँ पर अकेले को बच्चों को हैंडल करके सारे काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर मारूफ की और जुहान की बहुत तबीयत खराब है, खराब हो गई है, बहुत बुखार आ रही है, कुछ है ना जुहान? 8:30-9 बज रहे हैं और मैं इन लोगों को दवाई पिला कर लेकर आ गई, क्योंकि लोगों का फीवर कम नहीं हो रहा है। तो मारूफ ठंडी लग रही है, सो जाओ, अच्छे से जल्द ठीक हो जाओगे तुम। मारूफ तो यहाँ पर देखिए बज रहे अभी दोपहर के 11:30। मैं मारूफ को उठा रही थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने अभी मेरा सब काम हो गया, तो मैंने जैसा अपना वाईटी स्टूडियो खोले मारूफ एंड जुहान के चैनल का, तो मैंने यहाँ पर देखी कि मारूफ के जो चैनल के 40 सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 40,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी। मारूफ और जुहान बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके 40K हो जाएंगे, तो इसके लिए मैं उसे उठा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन हम मारूफ एंड जुहान के 40K सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, तो आप भी वो चैनल पर विज़िट करके ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पे जो खाला है, मेड है, वो आ गए हैं यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर कुंडे खाने के लिए आ गए हैं। कैसे रहते, कुंडे की नियाज बहुत ही अहम होती है, बहुत नसीब वालों को कुंडे की नियाज खाने के लिए नसीब होती है। तो यहाँ पर देखिए सब लोगों का खाकर हो चुका था और अभी लाइट भी जा चुकी है, क्योंकि आज ट्यूसडे है, जुम्मा मंगल के दिन यहाँ पर लाइट जाती है। तो सबका हो जाने के बाद में लास्ट में मैं बैठी थी। तो ये देखिए यहाँ पर, तो चलिए मैं अभी खीर पूरी टेस्ट करती हूँ। तो ये देखिए अभी बज चुके हैं 4:00। यहाँ पर जुहान मेरी गोदी में सो गया मेडिकल में, और शाम होते होते मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, आँखों से बहुत ही आंसू आ रहे थे, सर्दी हो गई थी, अचानक फीवर इतना बढ़ गया था। मारूफ और जुहान के अबू अभी नहीं थे, थोड़ा बाहर गए हुए थे, इसके लिए मैं मेडिकल में बैठी थी। और यहाँ पर देखिए जुहान को हैंडल करते करते वो सो गया, मारूफ अंदर सो रहा है, पता नहीं ये कौन सा वायरल इन्फेक्शन हो गया जो फीवर ही कम।
कम नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर ये ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो आपको हमारे ये कुंडे की नियाज का छोटा सा मिनी ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।